सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज के इस वीडियो में मैं डिटेल में कंपैरिजन करने वाला हूँ रिसेंटली रिवील्ड स्पीड और स्क्रैम्बलर 400X को, जिसे ऑफिशियली ग्लोबल मार्केट में रिवील्ड किया जा चुका है और बहुत जल्दी ये बाइक आपको इंडियन मार्केट में भी अवेलेबल होने वाली है। सो आज की इस वीडियो में डिटेल में कंपैरिजन करने वाला हूँ इन दोनों बाइक्स को लेकर, क्योंकि इन दोनों बाइक्स में आपको काफ़ी ज़्यादा जो सिमिलैरिटीज़ हैं वो लुक्स और डिज़ाइन वाइज आपको मिलेंगी, बट छोटे छोटे काफ़ी सारे चेंजेस इन दोनों बाइक्स में ट्रंप ऑफर कर रही है, जिनकी बात आगे इस वीडियो में मैं डिटेल में करने वाला हूँ। सो पहले बात कर लेते हैं इसके बुकिंग अमाउंट की। तो बुकिंग अमाउंट भी रिवील हो चुका है, 2000 रुपी के अमाउंट के साथ आप इन दोनों बाइक्स को बुक करा सकते हो। और अगर आपको बाइक पसंद नहीं आती तो ये रिफंडेबल अमाउंट है, सो आप बुकिंग भी कैंसिल करा सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं इन दोनों बाइक्स के लुक वाइज आपको क्या क्या डिफरेंस मिलने वाला है। सो सबसे पहले अगर बात करूँ चेंजेस की, तो दोनों ही बाइक्स में आपको फ्रंट और रियर साइड में USD फोक्स अवेलेबल होंगे, बट फ्रंट और रियर साइड में आपको सस्पेंशन के ट्रैवल वाइज काफ़ी सारे चेंजेस मिलने वाले हैं। स्क्रैम्बलर 400X की अगर मैं बात करूँ, तो स्क्रैम्बलर 400X बेसिकली डिज़ाइन की गई है ऑन और ऑफ रोड दोनों पर्पज़ के लिए डिज़ाइन की गई है। वहीं स्पीड जो डिज़ाइन की गई है वो नेक्स्ट सेगमेंट की बाइक है और सिटी राइडिंग के लिए इस बाइक को डिज़ाइन किया गया है। सो सस्पेंशन के ट्रैवल वाइज आपको चेंजेस मिलने वाले हैं। स्क्रैम्बलर 400X में आपको फ्रंट और रियर साइड में 150 mm का जो ट्रैवल सस्पेंशन है वो देखने को मिलेगा। वहीं स्पीड 400 में जो ट्रैवल का सस्पेंशन है वो आपको फ्रंट साइड में 140 और रियर साइड में आपको 130 mm का ट्रैवल सस्पेंशन अवेलेबल होने वाला है। फ्रेम की अगर बात करूँ, तो दोनों ही बाइक्स में आपको पैरीमीटर फ्रेम अवेलेबल होने वाला है। फ्रंट और रियर साइड में आपको LED सेटअप अवेलेबल होगा, साइड इंडिकेटर्स भी LED अवेलेबल होने वाले हैं। इवन फ्यूल टैंक की जो कैपेसिटी है वो भी आपको सेम ही अवेलेबल होगी, 13 लीटर की फ्यूल टैंक की कैपेसिटी दोनों ही बाइक्स में अवेलेबल होने वाली है। बट टायर सेक्शन वाइज और अलॉय व्हील्स आपको चेंजेस मिलने वाले हैं। सो स्क्रैम्बलर 400X में आपको फ्रंट में 19 इंचेस और रियर साइड में आपको 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स ऑफर किए जा रहे हैं, बट स्पीड में आपको फ्रंट और रियर साइड में 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स अवेलेबल होंगे। टायर सेक्शन की अगर मैं बात करूँ, तो फ्रंट में दोनों ही बाइक्स में आपको 100x90 का और रियर साइड में आपको 140x80 का टायर सेक्शन अवेलेबल होगा। स्पीड 400 में आपको मिलेगा मैटजेलर स्पीड M9RR का टायर मिलने वाला है। वहीं स्क्रैम्बलर में आपको मैटजेलर कारो जो टायर है वो यहाँ पे अवेलेबल होने वाला है। स्पीड 400X के अगर मैं लुक्स की बात करूँ, तो ये बाइक आपको बेसिकली सिटी राइडिंग के लिए डिज़ाइन की गई है। फ्रंट और रियर साइड में आपको LED सेटअप मिलेगा, सिंगल पीस सीट यहाँ पे ऑफर की जा रही है और सिंगल एग्जॉस्ट नोट आपको एल्युमिनियम फिनिशिंग के साथ अवेलेबल होगा। कलर ऑप्शंस की बात करूँ, तो ये बाइक आपको 3 कलर ऑप्शंस के साथ अवेलेबल होगी, जिसमें आपको कार्निवल रेड, कैस्पन ब्लू और पैंथम ब्लैक, ये 3 कलर ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल होने वाले हैं। वहीं अगर बात करूँ मैं स्क्रैम्बलर 400X की, तो स्क्रैम्बलर 400X में भी आपको सेम चीजेस और डिज़ाइन मिलेगा, बट ये जो बाइक डिज़ाइन की गई वो टफ राइडिंग और ट्रेल एक्सप्लोरिंग के लिए डिज़ाइन की गई है। बट इस बाइक में आपको सिग्निफिकेंट काफ़ी सारे जो चेंजेस हैं वो देखने को मिलने वाले हैं। इस बाइक का जो हैंडल बार है वो थोड़ा हाइयर पोजीशन पर आपको देखने को मिलेगा। ड्यूल कैन एग्जॉस्ट नोट यहाँ पे अवेलेबल होगा, स्प्लिट सीट भी यहाँ पे अवेलेबल होने वाली है जो कि आपको ब्राउन फिनिशिंग के साथ देखने को मिल रही होगी। फुट पैक्स जो हैं वो भी आपको ऑफ रोड फिनिशिंग के साथ अवेलेबल होंगे। फ्रंट साइड में आपको 19 इंचेस, रियर साइड में आपको 17 इंचेस, ब्लॉक पैटर्न टायर यहाँ पे अवेलेबल होंगे। साइड इसका प्लेट देखने को मिलेगी, नकल गार्ड्स भी यहाँ पे अवेलेबल होने वाले हैं, हेडलैम्प गार्ड भी यहाँ पे अभी जिसके स्पाई शॉट्स है उसमें देखने को मिल रहा होगा। कलर ऑप्शंस की बात करूँ, तो ये बाइक भी आपको 3 कलर ऑप्शंस के साथ अवेलेबल होगी, जिसमें आपको खाकी ग्रीन, कार्निवल रेड और फैंटम ब्लैक कलर यहाँ पे भी अवेलेबल होने वाले हैं। अब अगर बात करूँ इसके स्पेसिफिकेशंस वाइज आपको यहाँ पे क्या चेंजेस मिलेंगे, सो सीट हाइट की बात कर लेते हैं। तो स्पीड में आपको जो सीट हाइट है वो 790 mm के करीब मिलेगी, बट स्क्रैम्बलर 400X में 835 mm की जो सीट हाइट है वो ऑफर की जा रही है। स्पीड में जो टायर है वो आपको सिटी राइडिंग के अकॉर्डिंग देखने को मिलने वाले हैं, बट स्क्रैम्बलर 400X में आपको ब्लॉक पैटर्न जो टायर है वो देखने को मिलने वाले हैं। सो ब्रेकिंग सिस्टम वाइज भी इन दोनों बाइक्स में आपको काफी सारे चेंजेस मिलने वाले हैं। सो स्क्रैम्बलर 400X में आपको फ्रंट साइड में 320 mm और रियर साइड में आपको 230 mm की जो डिस्क साइज है वो देखने को मिलेगी। डुअल चैनल ABS और स्विचेबल ABS यहाँ पे अवेलेबल होने वाला है। वहीं स्पीड 400 की अगर मैं बात करूँ, तो फ्रंट साइड में आपको 300 mm और रियर साइड में आपको 230 mm की डुअल चैनल ABS के साथ ब्रेकिंग सिस्टम अवेलेबल होगा। इस बाइक में आपको कोई भी स्विचेबल जो ABS है वो देखने को नहीं मिलने वाला। वेट वाइज भी आपको इन दोनों बाइक्स में चेंजेस मिलेंगे। स्क्रैम्बलर 400X का जो टोटल वेट है वो 179 kg के अप्रॉक्स रहेगा, वहीं स्पीड का जो टोटल वेट है वो 170 kg के अराउंड रहने वाला है। सो स्पीड स्क्रैम्बलर 400X के कंपैरिजन में आपको लाइटर वेट के साथ अवेलेबल होगी। अब इन दोनों बाइक्स की अगर मैं सिमिलैरिटीज़ की बात करूँ, तो दोनों ही बाइक्स में आपको फ्रंट और रियर साइड में LED सेटअप अवेलेबल होगा। सो LED सेटअप वाइज आपको कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलने वाले। आइडेंटिकल इंजन अवेलेबल होने वाला है, 398cc का सिंगल सिलेंडर DOSC लिक्विड कूल्ड इंजन यहाँ पे अवेलेबल होगा। कपल्ड रहेगा 6-स्पीड गियरबॉक्स से। परफॉर्मेंस फिगर साइज भी आपको कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। दोनों ही बाइक में आपको 40 bhp की पावर देखने को मिलेगी और 37.5 Nm का मैक्सिमम टॉर्क जो है वो यहाँ पे अवेलेबल होने वाला है। सो फीचर्स वाइज दोनों बाइक में LED सेटअप, राइड बाय वायर, ट्रैक्शन कंट्रोल, स्विचेबल ABS आपको स्क्रैम्बलर में ही देखने को मिलेगा। स्पीड में आपको कोई भी जो स्विचेबल ABS है वो ऑप्शन नहीं मिलने वाला। इंजन इमोबिलाइजर, USB चार्जिंग पोर्ट दोनों ही बाइक में अवेलेबल होने वाला है। प्राइसिंग वाइज दोनों बाइक्स में आपको चेंजेस मिलेंगे। स्क्रैम्बलर 400 का एक्सपेक्टेड प्राइस आपको 3.2 लाख एक्स शोरूम के करीब देखने को मिल सकता है,
वही स्पीड 400 का जो एक्सशोरूम प्राइस है वो आपको 3 लाख एक्सशोरूम के करीब अवेलेबल होने वाला है। एग्जैक्ट प्राइस आपको जब ये बाइक लॉन्च होंगी तभी मिल पाएगा। सो ये प्राइस जस्टिफाई करती हैं ये दोनों बाइक्स या नहीं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और आपको ये बाइक्स लुक्स और डिज़ाइन वाइज कैसे लगी, फीचर्स वाइज कैसे लगी, उनका भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर रिप्लाई करना। सो करते हैं वीडियो को यहीं पर एंड। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।